भारत के इस मंदिर में चिट्ठी लिखकर होती है मनोकामना 100% पूरी। रोज लाखों श्रद्धालु आते हैं। उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है क्योंकि इस पहाड़ी इलाके में पाक पर कोई न कोई मंदिर मिल जाता है और हर मंदिर की अपनी ही मनोकामना होती है। देवभूमि उत्तराखंड में कई ऐसे चमत्कारी मंदिर हैं जिसके दर्शन करने हजारों किलोमीटर से लोग आते हैं, लेकिन आज मैं आपको उत्तराखंड के ऐसे मंदिर के बारे में बताऊंगी जहां चिट्ठी भेजकर भी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। आपको सुनकर यकीन नहीं हो रहा होगा, लेकिन सिर्फ चिट्ठी भेजने से मुराद पूरी कैसे हो सकती है, लेकिन ये सच में होता है। देवभूमि उत्तराखंड की धरती पर गोलू देवता नामक क्षेत्रीय देवता का मंदिर है जो सिर्फ आसपास के गांव में ही नहीं बल्कि पूरे देश में प्रसिद्ध है। यह उत्तराखंड के अल्मोड़ा और नैनीताल जिले के बीच में पड़ता है। यहाँ केवल चिट्ठी भेजने से ही मुराद पूरी हो जाती है। कहा जाता है कि गोलू देवता इंसाफ के देवता है। जिसे भी कोई मुश्किल होती है या किसी के बारे में कोई शिकायत होती है, गोलू देवता को एक चिट्ठी में लिख कर चढ़ा देते हैं। इस मंदिर को घंटी वाला मंदिर भी कहा जाता है क्योंकि आरजीओ के साथ साथ श्रद्धालु अपनी आवाज गोलू देवता तक पहुंचाने के लिए मंदिर के प्रांगण में घंटियां भी बांधते हैं। गोलू देवता को पूरा उत्तराखंड में न्याय का देवता माना जाता है। जो आदमी कोर्ट कचहरी के उम्मीद खो बैठता है, वह अपनी आरजी गोलू देवता के दरबार में लगा देता है। आरजीओ को प्रॉपर तरीके से ही लगानी होती है, इसलिए स्टैम्प पेपर पर साइन कराकर गोलू देवता के नाम पर चिट्ठी लिखी जाती है। लेकिन कुछ लोगों का कहना यह भी है कि भगवान तो सबके मन की बात जानते हैं, तो वह कागज के छोटे से टुकड़े में ही अपने मन की बात लिखकर लटका देते हैं। और एक नियम यह भी है कि दूसरे की चिट्ठी लटकाई हुई को कभी पढ़ना नहीं चाहिए। गोलू देवता या भगवान गोलू उत्तराखंड राज्य के कमाऊ क्षेत्र के प्रसिद्ध पौराणिक देवता हिरणु मूल रूप से गोलू देवता को घोर भैरव के अवतार के रूप में माना जाता है। कहा जाता है कि वह कस्तूर के राजा झाला राय और कलिंद्रा के बहादुर संतान थे। ऐतिहासिक रूप में गोलू देवता का मूल स्थान चंपावत में स्वीकार किया गया है। ये थी ऐसे न्यूज की रिपोर्ट।